हेलो बच्चों, जियो किड्स में आप सभी का स्वागत है। बच्चों चलिए आज चलते हैं हम सभी मून की जर्नी पर। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि हमारे मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ। बच्चों चांद को देखकर आपको ये नहीं लगता कि चांद के पास कुछ जादुई शक्तियां हैं जिससे वो कभी बहुत छोटा, कभी बड़ा, कभी पूरा हो जाता है और कभी कभी तो पूरी तरीके से गायब भी हो जाता है। बच्चों मून की ये प्रोसेस कहलाती है लूनर साइकिल, पर किसी मैजिक ट्रिक की तरह यह भी एक एल्यूजन है। बच्चों क्या आपको पता है चांद की जो रोशनी दिखती है वह असलियत में सूरज की रोशनी है। चांद पृथ्वी की एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच आ जाता है तो इनविजिबल हो जाता है। चांद के इस ना दिखने वाले फेज को कहते हैं न्यू मून। क्योंकि चांद अपनी परिक्रमा जारी रखता है इसलिए 2-3 दिन बाद जब पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए सूरज की कुछ रोशनी चांद पर पड़ती है तब इसे कहते हैं वैक्सिंग क्रेसेंट। जब आधे चंद्रमा पर रोशनी पड़ती है तो इसे फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं और जब आधे से अधिक भाग पर चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो इसे वैक्सिंग गिबस कहते हैं। जब रोशनी पूरे चंद्रमा पर पड़ती है तब इसे फुल मून कहा जाता है। फुल मून के बाद चंद्रमा फिर से घटने लगता है और इसके आधे से अधिक भाग पर रोशनी पड़ती है तब इसे वैनिंग गिबस कहा जाता है। फिर आधे चंद्रमा पर रोशनी पड़ती है तब इसे लास्ट क्वार्टर कहते हैं। आधे से कम भाग पर रोशनी पड़ने को वैनिंग क्रेसेंट कहा जाता है। इस पूरी प्रोसेस को फेजेस ऑफ मून कहते हैं। तो बच्चों आपको चांद की ये मैजिक ट्रिक समझ में आई? चलिए ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।